हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ शॉपिंग। तो मैं शॉपिंग करने गई थी, तो मैं जो शादी आ रही है ननद की, अब आ ही गई है, लगा लीजिए एक फंक्शन जो है स्टार्ट हो चुका। सारी शॉपिंग दिखा दूँ क्योंकि आज का ही टाइम है, कल से मुझे टाइम बहुत कम लगेगा। और इसको आना ही है, मतलब ये बनाने नहीं देती मुझे वीडियो, सो चार्ज बना देती हूँ। और आज कपड़े वगैरह मैंने वॉश नहीं किए क्योंकि थर्सडे है, तो थर्सडे को मैं कपड़े वॉश नहीं करती। एक बहुत अच्छी बात है कि इस बार मतलब फर्स्ट टाइम इन दोनों के लिए सेम ड्रेसेस मिली है, क्योंकि इनका गैप भी ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैप है इनका। तो मुझे मतलब था नहीं कि ये एक सेम ड्रेस इनको मिल जाएगी, बट तो मिल सकते हैं आप क्रॉप टॉप लहंगा कुछ भी बोल लीजिए, क्रॉप टॉप ही बोलते हैं आजकल जैसे। अब चुप रहो, मम्मा बता रही है ना, ठीक है? तो ये देख सकते हैं, ये इस तरीके का है। और तो जो दीदी का है, हाँ ये दीदी का, मैं और ये नेट में है, ये जो इसका फैब्रिक है ये नेट में है, इसके नीचे फिर एक और नेट है, फिर इसके नीचे जो है ये कॉटन मिक्स है, मतलब कॉटन है थोड़ा सा, और इसके नीचे फिर एक और लेयर है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की जाली वाली चुप, और कुछ फिर इस तरीके का कपड़ा है नीचे की साइड। तो इसमें काफी सारी ये जो है ना लेयर है, और ये इस तरीके का दिखता है कुछ, ये देखिए बहुत ही फूला फूला है। और मैं जब ये पहनेंगी तो प्रॉपर तरीके से आपको इनको दिखाऊंगी कि, और ये इसमें लटकन लटके हुए हैं, देखिए ठीक है। तो ये है, और इसके ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरीके की कुर्ती है इसके ऊपर, और यहाँ से स्लीव लेस है ये वाली, ठीक है। और इसमें जो है ना ये वाली इनर है, तो इसकी जो बाजू है वो नेट में है, वो छोटी बेटी की खुली हुई है, वो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये इनर है इसके कुर्ती में पहनने के लिए, और ये ऐसे है। तो आप बताना कि कैसा लग रहा है, और मैं प्रॉपर तरीके से आपको, और इसके पापा बहुत खुश हुए कि दोनों को सेम ड्रेस ही, उन्होंने पूछा था, मुझे तो नहीं था कि मिल जाएगी, तो मैंने सोचा कि कलर शायद मिल जाए दोनों का सेम, लेकिन ड्रेस भी सेम ही मिल गई। उन्होंने पूछा कि भैया सेम मिल जाएगा क्या छोटी वाली का भी, तो बोले कि हाँ मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से दोनों का सेम, कितना छोटू सा है ना, कितना प्यारा लग रहा है, देखिए बहुत ही फुलावट में भी है, ऐसा नहीं है, तो पूरी फुलावट में, ये देखिए कितना प्यारा है, वही सेम डिजाइन है, सेम और सेम ही कुर्ती है इस तरीके की, ठीक है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा है, और इसकी वैसे दोनों ने पहन के देखा था अच्छा लग रहा था, वही है ना थोड़ा सा मेकअप वगैरह करेंगे थोड़ा सा बच्चों का तो और ज्यादा प्यारे लगेंगे। और ये है इसकी अंदर की इनर, ठीक है। तो इसकी बाजू नेट की है, देखो इसने दो बार इसको, जब भी मतलब किसी का वीडियो कॉल आता है तो मेरे कपड़े देखो मेरा लहंगा देखो, इसको तो बहुत ज्यादा बस बस ज्यादा नहीं हंसना। तो ये है इसका जैकेट, ब्लेजर टाइप नहीं है, तो ये कैप वाला है इसका, ये इस तरीके से हुडी टाइप, और इसकी और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है, मतलब डार्क ग्रीन, ग्रीन बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा है। और इसको कैप हटा देंगे तो ब्लेजर ही बन जाएगा इस तरीके से, तो ब्लेजर जैसा ही लुक, ब्लेजर जैसा ही इसका लुक आ जाएगा। कैप नाटो, हाँ मैं कैप लगा दूंगी। तो ये इसका है छोटू का, और ये हम लेकर आए हैं तिब्बत मार्केट से, और इसका जो प्राइस है वो है 950 रुपये, और लहंगा का प्राइस में मैं आपको बता देती हूँ, जो छोटी वाली का लहंगा है वो 2000 का है, जो बड़ी वाली का वो 2500। तो ये है मेरा ब्लेजर, अलग कलर, तो ये देखिए इस तरीके से। और ये हमने ना ऑनलाइन मंगाया, ऑफलाइन आपको बताया शॉप से, और एल साइज है ये, तो काफी ज्यादा अच्छा लगा मेरे को, मतलब मैंने मना भी किया तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं ले लेते हैं,
और प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा महंगा लगा, लेकिन वो बोले कि नहीं इतने में ही आएगा ब्लेजर, तो इसका प्राइस है 2200 रुपये। तो ये हमने शॉप से ही खरीदा, जहाँ से लहंगे खरीदे थे ना उस वाली शॉप पे सब मतलब कपड़े मिलते हैं, जैसे कि ब्लेजर वगैरह, स्वेटर और बच्चों के सारे मिलते हैं, और क्रॉप टॉप वगैरह सब कुछ मिलता है वहाँ पे। तो वहीं से हमने ये खरीदा है। तो ये मेरा है, और आप बताना कि कलर कैसा लग रहा है। और ये बटन वाला है ब्लेजर, और ये है मेरी बड़ी बेटी का, तो ये पिंक शेड में है, रेड भी नहीं है, मतलब पिंक पिंक सा लग रहा है। और ये देखिए इस तरीके से बैक से है, और सेम है, बिल्कुल सेम है, बस ये जो इसके हुक है मतलब बटन, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सेम है। और ये ना भाई, मैं मतलब लेडीज़ के में और बच्चों के में फ़र्क तो होता ही है। तो इसका प्राइस है 1800 रुपये, वहीं सेम शॉप से ही हमने ख़रीदे हैं ये। तो आप बताना कि इसका भी प्राइस कैसा लग रहा है। ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे पहन के बाद। और ये एक येलो शेड में मैं साड़ी लाई हूँ, क्योंकि हल्दी फंक्शन के लिए मेरे पास साड़ी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं क्या पहनूंगी साड़ी। फिर इतनी मुश्किलों से मुझे ये साड़ी पसंद आई हल्दी कलर में, आप बताना मुझे कैसी लगी। वैसे तो बहुत ही प्यारी है बट, और ये 1000 रुपये में, ठीक है। और गंजा शेड में इसका कपड़ा है, मतलब और गंजा शेड में, और जो लाइनिंग होती है ना इस तरीके से, आपको दिखाई भी दे रही हूँ, ये लाइनिंग है, और इस तरीके से इस पर ये वर्क दिया हुआ है, जरी का है और रेशम के धागे का। तो इसे ये देखिए, और मैं थोड़ी सी ओपन आपको करके दिखा देती हूँ, ये देखिए है ना, ये इसका पल्लू आ जाता है, इस वाले डिजाइन में इसका पल्लू आ जाएगा इस तरीके से। तो और कोई ऑप्शन नहीं था, साड़ियाँ पसंद नहीं आ रही थी रेवाड़ी में, बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द हो गया साड़ियों के चक्कर में, और ये साड़ी बहुत मुश्किल से मुझे पसंद आई। तो मुझे इसको फॉल लगाना है और हल्दी फंक्शन में पहनना है, तो आप बताना। और खोल के मैं आपको, ये साड़ी सेम है सारी, और जब मैं पहनूंगी वेयर करूंगी तो मैं आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी। तो इस पे मैं फॉल रखने वाली हूँ, मतलब रखूँगी। और ये है इसका ब्लाउज, जो कि अभी तक मैंने स्टिच करवाने के लिए भी नहीं डाला है। तो ऐसे इसमें बॉर्डर आ जाएगा, और ये लाइनिंग का ब्लाउज है, ब्लाउज अच्छा है, मतलब अच्छा लगा मुझे, सिलने के बाद ही लुक आता है, मतलब हर चीज़ का पहनने के बाद ही कपड़े। और हम ये कवर लेकर आए हैं, मतलब जो हमारी रजाइयाँ हैं ना, सिंगल रजाई, सिंगल, तो उनके लिए कवर लेकर आए हैं। तो ये कवर जो है ना गर्म होते हैं, आप लोगों को पता है, इनका प्राइस है 250 रुपये, 250 का एक है ये। तो हम शॉप से, जहाँ से हम हमेशा ख़रीदते हैं बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह, तो वहीं से हम ये लेकर आए हैं। तो ये दो मैं सेम लेकर आई हूँ, सिंगल के या डबल के मैं आपको दिखाऊंगी उन पे, जो जहाँ मुझे ब्लैंकेट पे जो चढ़ाने हैं ना कवर, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और वो जो है ना अलग है, थोड़े अच्छे हैं, रुए नहीं होते हैं। तो दो ये सेम कलर के लाई हूँ, और एक में ये कलर का लाई हूँ, डिज़ाइन सेम है तीनों का ही, तो मैंने कहा एक ये कलर ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है। तो तीन ये, और एक ये बेडशीट लेकर आए हैं गरम, जो जिसमें पिल्लो कवर जो है ना साथ ही है। तो मैं ओपन करके इस, तो बहुत ही अच्छी है, और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये देखिए बहुत ही अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी, और ये इसके पिल्लो कवर हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब पूरी लेंथ है इनकी, और इस तरीके। तो एक ये है, दो कलर के मतलब दोनों में, इसमें वाइट कलर आ रहा है, देखिए इसमें वाइट आ रहा है, दोनों सेम नहीं है। और है ना बेडशीट में है बेडशीट, ये देखिए इस तरीके से। तो इस पे जो है ना आपको दिख रहा होगा, मतलब जैसे कि ये रोज बने हुए हैं, तो ये रोज बने हुए हैं पूरी बेडशीट पर, काफी ज्यादा पूरी लेंथ है इसकी, मतलब चौड़ाई भी लंबाई भी पूरी है कि हम अच्छे से इसको बिछा सकते हैं। तो मैं पूरी ओपन करके देखिए, वो कवर हैं जो ब्लैंकेट थे ना हमारे पास, डबल बेड के ब्लैंकेट, तो ये डबल हम कवर लेकर आए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड ये जो है ना इसमें रोंगटे जो होते हैं ना वो नहीं पड़ेंगे इसमें। हाँ ये उनसे थोड़ा कम गर्म होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इतना नहीं है कि भाई, और रेंज भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मेरे दूसरे मतलब दूसरे वाले ब्लैंकेट का कवर लेकर आए हैं, देखिए इसका डिज़ाइन कुछ सर्कल में है, हाफ सर्कल, तो बहुत ही अच्छे हैं ये, और इनका प्राइस भी
तो ये एक बेडशीट लेकर आए थे और इसका प्राइस है 750 रुपये पिलो। तो कवर मेरे पास रखे हैं तो मैं उनको इन पर लगा दूंगी, क्योंकि अब गेस्ट आएंगे काफ़ी सारे, तो 2 या 3 तो रखे थे और बाकी हम 2 खरीद कर लेकर आए गए हैं। ये देखिए रिलायंस फाइबर के हैं ये पिलो, तो ऐसे ही सेम हम 2 लेकर आए हैं, 2 का सेट। ठीक है लो रख दो। इस कलेक्शन एक शॉप है रेवाड़ी में जहाँ पे छोटे मोटे जो प्रोडक्ट होते हैं जो प्रोडक्ट जैसे कि गूगल कैप वगैरह, बेल्ट वगैरह, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे जो आइटम होते हैं ना वो वहाँ पर मिल जाते हैं, तो वो रेवाड़ी के अंदर SS कलेक्शन के नाम से है वो शॉप। तो वहीं से हम ये लेकर आए हैं जीव के लिए कैप, तो ओपन करके मैं इसको दिखा देती हूँ। और इसका जो फैदर है ना ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एकदम से, मतलब जैसे कि कॉटन हो उस तरीके से। देखिए अब कैप भी बहुत ही प्यारा सा ये कैप है, तो ये मैं शादी के लिए लेकर आई हूँ इसके लिए, और ये गूगल से लेकर आए हैं बच्चों के लिए, दोनों के लिए, इसके पापा क्योंकि उन्हें बहुत शौक है चश्मा लगाने का, इतने सारे चश्मे इनके पास ऑलरेडी हैं, फिर भी उन्हें शौक था कि हाँ एक एक और लेना है, तो यहाँ पे वो लेकर आए हैं जियो के लिए। तो मैं पहले अपने तो इसके कैप के ही मैचिंग का है चश्मा, ये देखिए बटरफ्लाई जैसा इसका डिजाइन है। ठीक है तो एक ये लेकर आए हैं, और जो बड़ी बेटी के लिए लेकर आए हैं वो, और इसके पास इसका चश्मा जो गूगल सॉफ्ट एंड पहले का बिल्कुल ब्लैक कलर का है, बिल्कुल अच्छा रखा है, सेफ रखा है, लेकिन वो ये ना उनको तो होता है कि हाँ लेकर आऊँ। ये देखिए इनका प्राइस मुझे नहीं पता और ना ही मुझे कैप का प्राइस पता है, तो ये तो आपको पता ही होगा कितने के आ जाते होंगे। तो ताना गूगल्स भी कैसे लगे हैं आपको, और जो कि बहुत ज़्यादा दाना इनके लिए, मतलब बड़ी बेटी के लिए लंच बॉक्स और वाटर बॉटल, क्योंकि आपको पता है ना कि भाई खाना सर्दियों में किस तरीके से हो जाता है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा दिन की है सर्दी, और वैसे भी लंच बॉक्स मुझे मंगाना ही था, तो सोचा हुआ था, तो दिमाग में था कि लंच बॉक्स और वाटर बॉटल लेनी ही है, कि जिसमें हॉट वाटर रहे, तो हॉट और कोल्ड दोनों ही है उसमें, मिल्टन की है। अरे निकल के गया, तो मैं आपको पहले लंच बॉक्स दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके का है ये, मेरी भी है जो। वेगो सेफ स्टील मील, तो ये इस तरीके से, तो इसमें एक ये बॉक्स है छोटी वाली, और काफी ज्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी लगी मुझे, और इसका प्राइस भी 500 रुपए है, तो कुछ लेस करके मतलब उन्होंने दे दिया होगा 450 का, या फिर 460-470 कुछ ऐसे ही प्राइस में दिया है उन्होंने, और ये स्टील में है, काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे इसके लॉक की साइड की, तो बहुत ज्यादा जरूरत थी इसकी, तो एक ये लेकर आए हैं, और मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं जब लेकर आए हैं तो शॉपिंग में है ये, और एक लेकर आए हैं वो बोतल ठंडा गरम दोनों की है, ये देखिए हॉट और कोल्ड इस पे लिखा हुआ है, ये बैक साइड से ही दिखेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ हॉट और कोल्ड मिल्टन में है ये, तो वो बोले कि गिरते ही जो है ना खराब हो जाएगी, तो इसी चीज़ का डर है, मैं इसको समझा रही हूँ बाबा कि इसको गिरना मत बैग में ही रखना, क्योंकि गिरते ही बोतल ख़राब है और इतनी महंगी आती है, तो फिर क्या फ़ायदा, बच्चा अगर उन्हें एक थोड़े बहुत दिन भी ना चलाए तो पैसे वेस्ट, क्या फ़ायदा फिर। तो एक ये बोतल लेकर आए हैं, और इसका प्राइस है MRP तो इस पर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है 945 में से भी उन्होंने शायद कुछ लेस किया था तब दिया था, तो ठीक प्राइस था इनका। ठीक है तो ये 2 चीज़ें, और मैं दिखाती हूँ बेटी के सूज छोटी वाली के, ये देख, तो जब वो लगन जाएगी ना, जब दीदी की ननद की वो ड्रेस पहन के जाएगी, तो उस ड्रेस के लिए लेकर आए हैं ये छोटू के, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से, बहुत खुश होती है ये। ठीक है तो ये है, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा देती हूँ, ये तो मैं यहीं से लेकर आई हूँ, डब्बा की शॉप वाली से लेकर आई हूँ, गाँव की जो शॉप है ना वहाँ से, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये आइसक्रीम हैं रेड कलर की, और एक ये स्टार में है पिंक,
इस तरीके से क्लिप टाइप में है ना। और एक ये मल्टी शेड है स्टार में, तो दोनों के लिए लेकर आई हूँ मैं दो दो, आप बेटियों का तो यही है ना। और एक ये एप्पल शेड में है इस तरीके से। तो बस यही था, ये क्लिप मैं यहीं से लेकर आई थी, आपको बताना कैसी लगी है। तो चलिए मैं आपको और चीज़ें भी दिखा देती हूँ, जो कि कुछ साड़ियाँ हैं। ये साड़ियाँ जो है ना मेरे जो मामा जी हैं उनके जो मामा जी हैं उनके बेटे ने शॉप की हुई है, तो दीदी ने मंगाई थी एक साड़ी, मैंने मंगाई थी। तो हस्बैंड जी वहाँ कल कार्ड देने के लिए गए थे, तो दीदी की बात हो रखी थी उनके भैया से। वो जो भैया हैं वो मेरी जो मामा की लड़की है उनके हस्बैंड भी हैं और मेरे देवर भी लड़के हैं। चुप जाओ। तो एक ये साड़ी है, इसको थोड़ा सा मैं ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। ये दीदी की है, मेरी ननद ने जो मंगाई है। ये साड़ी सेम ही है इस तरीके से, ठीक है। और इसका प्राइस मुझे ठीक से नहीं पता, 700-800 के करीब है। और ये एक रेडीमेड ब्लाउज है आया है इसके साथ, मुझे ये नहीं पता है कि अलग से मंगाया दीदी ने। और बहुत ज़्यादा मतलब रेडीमेड है ना, तो फुल साइज़ में है एकदम से, तो फिटिंग करनी पड़ेगी दीदी, काफ़ी ज़्यादा पतली है इसे, ठीक है। और एक ये साड़ी के साथ का ब्लाउज है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये है मेरी साड़ी जो कि डार्क ग्रीन शेड में है, और इसका जो फैब्रिक है मतलब इसका जो कपड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा, क्या बताऊँ आपको, सिल्क में है कुछ। तो ये भी साड़ी सारी ऐसी ही है, ये देखिए इस तरीके से है। और कैसी लगी आपको बताना जरूर। और इसका जो ब्लाउज है ये रहा, कॉटन नहीं है इसका ब्लाउज, ठीक है। कैसी लगी आपको बताना। और इसका जो कपड़ा है कुछ शाइनिंग में है ना। तो ये तीसरी साड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि मंगाई थी मेरी ननद ने, छोटी वाली नहीं मंगाई है, ये वाली। और इसका जो कलर है ना वो इलायची कलर है, और इसका जो डिज़ाइन है ना ये देखिए इस तरीके से, तो नीचे नीचे ये वर्क दिया हुआ है इस तरीके से, जो मोर पंख होती है ना उस तरीके का डिज़ाइन है यहाँ पे। और ये लगे हुए हैं इसमें नग वगैरह, ठीक है। और इसका जो कपड़ा है वो मैं बताऊँगी आपको, लाइनिंग में है, कुछ लाइनिंग में है, शाइनिंग में है, और कुछ ऑर्गेंजा टाइप में ही है, ऑर्गेंजा में ही है, ठीक है, जो चल रहा है आजकल। तो आप बताना, इसका ब्लाउज भी मतलब सिंपल ही है, ठीक है, इसी तरीके का ऐसा सिंपल। नहीं 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 यार, इसका ब्लाउज नहीं है सिंपल, इसका देखिए वर्क नहीं है, अच्छा है पूरा। तो आप बताना कि आपको क्या चीज़ इसमें से। तो ये थी मेरी शॉपिंग, और आपको क्या पसंद आया है इसमें से वो मुझे बताना, ठीक है। और कैसी लगी आपको मेरी सारी शॉपिंग। और आप सोच रहे होंगे कि अपने लिए मैं, मेरे लिए ड्रेस रखी है जो कि मुझे पहननी है। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि मैं पोशाक ही पहनने वाली हूँ, और मुझे उसके साथ के लेकर आने हैं कंगन मतलब चूड़ियाँ वो मैं, और मेरी गोल्ड की ज्वेलरी भी मैं लेकर आई हूँ वो, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं दिखाऊंगी, इससे आगे की वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बच्चों की ड्रेस कैसी लगी वो भी मुझे बताना, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए